ये सर रूपा जी, खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? अब इंडोनेशिया ने पाम तेल का जो बैन है पूर्ण रूप से तो नहीं किया है, केवल पैकेज्ड और थोक में जो पामोलिन आता है वहां से इंडोनेशिया से जो एक्सपोर्ट किया जाता है सिर्फ उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, बाकी सीपीओ पर बैन नहीं लगाया है। लेकिन इसकी वजह से भारत का लगभग 2,90,000 टन का जो खाद्य तेल था वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो ऐसे में भारत अब कहां से अपनी आपूर्ति कर पाएगा, और अगर सप्लाई टाइट होती है तो कीमतें क्या होंगी? देखिए, अभी जो ये प्रेडिक्शन है कि अब इंडोनेशिया ने जो बैन किया है और जो सप्लाई बाधित हुई है, देखिए मलेशिया से भी इंपोर्ट करता है भारत और इंडोनेशिया से भी करता है, नो डाउट इंडोनेशिया से ज्यादा करता है, लेकिन मलेशिया से भी 20% के आसपास का इंपोर्ट जो है वो किया जाता है। मलेशिया की तरफ डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और जहां तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस का जो है वो मैटर नहीं आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्शन अच्छा खासा है और उसके पास वेयर हाउसिंग की भी प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक इस सिचुएशन में मतलब इस बैन को नहीं रखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10 दिन के बाद वापिस से जो है मार्केट खुल जाएंगे और फिर प्राइसेस जो है एक बार फिर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट है लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बहुत ज्यादा तेजी इसके वजह से नहीं बनेगी। ऑलरेडी जो प्रोडक्शन का डाटा है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट सपोर्टिव है और इसके चलते हल्की फुल्की तेजी में मार्केट बना रह सकता है, लेकिन आगे 10-15 दिनों तक ये तेजी अभी फिलहाल कायम रह सकती है। उसके बाद तो अगर वहां से कुछ अपडेट आता है तो फिर बाजारों में एकदम से करेक्शन बनती हुई नजर आ सकती है। जी,